साथियों, हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपनी अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्स ही बता सकती है, इसलिए मैंने रायपुर के डॉक्टर B.R. अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। भावना जी, यस सर, मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे यानी मल्टीटास्क, और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती है। यस सर, तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती है। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है। सर, हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है, फिर 2 महीने बाद हमारा ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है। सर, जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया, सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे, कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी, मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई, और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर, तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर, वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर, उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में, और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे, वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे, तो हम उनको समझाते थे। और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर, और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए, सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए, बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं, तो जरूर देशवासियों को इसे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दीजिए,
अपने परिवार का भी ध्यान रखिए,